हेलो, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश पटेल है। आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट हेयर फ्री हेयर ग्रोथ क्लिनिक सूरत। तो आज हम अपने एक और पेशेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो हमारे पेशेंट हैं, इनका नाम है संदीप नायक, जो सूरत से बिलोंग करते हैं। ये जो हमारे पेशेंट हैं, वो हमारे पास 5 महीने पहले आए थे। उनकी बाल्डनेस स्टार्ट हो चुकी थी, उनकी हेयरलाइन थोड़ी रिसीड हो चुकी थी और उनके कॉर्नर भी अंदर चले गए थे। हमने जितना एवोल्यूट किया उससे हमें पता चला कि इनको 2000 ग्राम की रिक्वायरमेंट है। तो 5 महीने पहले हमने इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया। आज उनको एटलीस्ट 6 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं। तो अभी मैं आपको उनके 6 मंथ के बाद का जो रिज़ल्ट है वो दिखाने वाला हूँ, उनके बिफोर ट्रांसप्लांट और अभी 6 मंथ के बाद उनका जो रिज़ल्ट आया है उसके फोटोज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ में मैं आपको उनका कॉम्बिंग का वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, ताकि जब मैं कॉम्ब करूँगा तो आपको ये पता चलेगा कि कितनी डेंसिटी उनको मिली है, कितना नेचुरल लुकिंग है, वो भी आप उसमें अप्रिशिएट कर पाओगे। और साथ साथ में इसी वीडियो में हम पेशेंट की ज़ुबानी सुनेंगे कि आफ्टर 6 मंथ वो क्या फील कर रहे हैं और उनके रिज़ल्ट के बारे में उनकी अपनी क्या राय है। अभी इस हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट से हमें 3-4 चीज़ें जो देखने को मिलती है और आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहेगी, तो वो मैं 3-4 चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ जो हेयर ट्रांसप्लांट रिगार्डिंग आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा मतलब अच्छा। कई बार बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनकी डिमांड ऐसी होती है कि सर आप जितना हो सके उतना ज़्यादा ग्राफ्ट लगा दो। ऐसा नहीं होता, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने ही ग्राफ्ट लगाने चाहिए। जैसे कि ये हमारे पेशेंट है, उनको 2000 ग्राफ्ट की ही रिक्वायरमेंट थी। अगर और ज़्यादा हम लगाते तो वो ग्राफ्ट वेस्ट हो जाते। क्या होता है कि बहुत ही डेंस करने पे ग्राफ्ट स्ट्रेंगुलेट होते हैं, तो वो ग्राफ्ट वेस्ट हो जाते हैं। सेकेंडली, बहुत ज़्यादा अगर ग्राफ्ट निकाल लिया जाता है तो होता क्या है कि ये जो हमारे पेशेंट है, वैसे जो पेशेंट होते हैं जिनकी ग्रेड 7 तक बाल्डनेस नहीं हुई है, जिनका मान लीजिए कि उनका बाल्डनेस अभी ग्रेड 2, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है, तो अगर उस दौरान वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो इन फ्यूचर उनके जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो जाने वाले हैं, तो उनको इन फ्यूचर एक और हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत रह सकती है। तो उसके लिए फ्यूचर में जो हेयर ट्रांसप्लांट होगा उसके लिए डोनर एरिया बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट हो उतनी ही ग्राफ्ट लगानी चाहिए और डोनर एरिया फ्यूचर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्रिजर्व करना चाहिए, इन केस कि वो ग्रेड 7 जितना बाल्डनेस नहीं हुआ है। ये 2 चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट में जो क्या कहते हैं मेजर रोल प्ले करती है वो है उसका नेचुरल लुक। अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो भी गया और उसका रिजल्ट भी आ गया पर अगर वो नेचुरल लुकिंग नहीं है तो भी आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता है तो भी आपको वो रिजल्ट से मज़ा नहीं आएगा और जो लुक आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए अपने हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग कि पहली चीज़ जितना ज़्यादा उतना अच्छा, ऐसा नहीं होता, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही ग्राफ्ट इम्प्लांट करने चाहिए और डोनर एरिया फ्यूचर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्रिजर्व करना चाहिए। और तीसरी चीज़, आप हमेशा देखिए कि जहाँ पे भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो तो वहाँ के जो भी पेशेंट हैं उनकी हेयरलाइन कितनी नेचुरल है। तो ये 3 चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। और इसके लिए आप जब भी किसी भी डॉक्टर को आप कंसल्ट कर रहे हो तो ट्रस्ट योर डॉक्टर्स कि वो आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आपसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो आप उनको उस बारे में ट्रस्ट कर सकते हैं। और सेकेंडली, ओवरऑल ये सारी चीज़ों का एक समराइज करते हैं कि एट दी एंड ऑफ द डे हम ऐसा कह सकते हैं कि पेशेंट जो है वो पूरा सेटिस्फाइड होना चाहिए और ये जो हमारे पेशेंट वो अपने रिजल्ट से बहुत ही सेटिस्फाइड है। तो इस वीडियो में अभी आगे हम देखते हैं कि उनके बिफोर और आफ्टर के फोटोज़, कॉम्बिंग का वीडियो और पेशेंट की अपने ट्रांसप्लांट के बारे में क्या राय है वो भी हम आइए सुनते हैं। थैंक यू।
फ्रेंड, मेरा नाम संदीप नायक है। मैंने हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लीनिंग से सूरत रन से मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। अभी बिथेन मेरे को 5 मंथ हुआ है, 6 मंथ अभी रनिंग है। सो मेरा अभी बेस्ट रिजल्ट दिख रहा है मुझे, मेरा रिजल्ट तो बेस्ट आया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप भी जो इस हेयर फ्री ग्रो क्लिनिक में आओ और अपना भी रिजल्ट अपना